खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की ओर से सहस धारा रोड स्थित लेगेसी वेस्ट को खत्म करने के लिए टेंडर डाले गए थे। टेंडर निरस्त होने से बौखलाए विधायक बीजेपी विधायक महेश जीना ने समर्थकों के साथ नगर निगम में हंगामा किया, जहां उन्होंने हंगामा किया। महेश जीना पर आरोप है कि उन्होंने नगर आयुक्त गौरव कुमार के कार्यालय में घुसकर न केवल उनसे अभद्रता की, बल्कि आरोप है कि नगर आयुक्त को अपशब्द भी बोले, जिसके बाद नाराज नगर निगम कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया और पूरे नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा उठाने से भी मना कर दिया। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के कर्मियों की मांग है कि अब इन्हें विधायक का इस्तीफा चाहिए और विधानसभा से विधायक की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। जब तक अपने व्यवहार के लिए विधायक सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को मामले की जांच करने के भी निर्देश दिए, साथ ही 15 दिन में प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये पार्टी के संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीजें हुई है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई है, कमिश्नर गढ़वाल को इसकी जांच करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द 15 दिन में इसकी जांच कर उनको दी जाए। इस से अगर जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, किस बारे में हुआ है, ये सब चीज़ों का जब जांच आ जाएगी उसके बाद ही पार्टी इसमें कोई निर्णय लेगी। और जब जब हमारे इस प्रकार की चीज़ें हुई, पार्टी ने हमेशा निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, अपने अनुशासन के लिए मानी जाती है और हम कुछ भी इस प्रकार की चीजें होती तो निश्चित रूप से संज्ञान में आने के बाद इस प्रकार की क्या कार्यवाही होनी उस पर पार्टी सोचती है। जो कर्मचारी संघ जो चाह रहा है चाहता है कि जो उसने कार्रवाई करी है इस प्रकार की, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। उसको गिरफ्तारी के लिए भी संगठन की ओर से एक हमारा लेटर बना रहे हम कप्तान साहब के लिए।